उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतपाल जी मलिक, राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी, सांसद अर्जुन जी मेघवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश जी मेघवाल और प्रदेश उपाध्यक्ष ओमकार सिंह जी लाखावत, पूर्व मंत्री जनार्दन सिंह जी गहलोत और रामनारायण जी डूडी और राजेंद्र जी गहलोत और हमारे पूर्व सांसद जसवंत जी बिश्नोई, पूर्व सांसद पुष्प जी जैन, विधायक आपकी लाडली कमसा मेघवाल और पूर्व जिला प्रमुख। इसलिए मैंने रुक के और याद दिला के जोर से बोला तो ध्यान में तो आ जाए। और हमारे पूर्व जिला प्रमुख अमिता जी, जिला अध्यक्ष अजय सिंह जी, पूर्व विधायक राम प्रताप जी और पूर्व विधायक बंसीलाल जी कटी, ये सब यहाँ उपस्थित है मंच के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सब नेतागण, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग इस मंच पे आए हुए हैं। सबसे पहले मुझे तो दुख इस बात का है कि आपके इस भोपालगढ़ के अंदर अभी भी खारा पानी और क्लोराइड पानी की समस्या है। ये आपको तो नहीं पता, इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये सब साफ पानी का इंतजाम करने का काम महिला का होता है और सब महिलाएं मेरे आके सबसे पहले यही रोती है कि आपने अगर हमारा खारा पानी और क्लोराइड पानी का इंतजाम नहीं किया तो कितने साल से हम चले आ रहे हैं और इसकी वजह से आज हमें ये मुसीबत हमारे घरों के अंदर देखना पड़ रहा है। ये है ना खारा पानी या फ्लोराइड है समस्या। और आपका भूजल स्तर जो है वो 1000 फुट नीचे चला गया है, मानी जितना गहरा जाता है उतना ही पानी और खराब होता है। और मथानिया से इंदिरा गांधी नहर से जो मीठा पानी लाने के लिए 305 करोड़ रुपए की हम लोगों ने अपने समय के अंदर योजना बनाई थी, आपको याद है, और हमने ये कोशिश की थी कि ये आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए ताकि मीठे पानी के लिए आदमी को तरसने की जरूरत नहीं होगी। पर मैं ये देख रही हूँ कि हमने दिखावे के लिए इन लोगों ने पाइपलाइन भी डाल दी और 26 आधी अधूरी टंकियां भी बना दी। और मैं कह रही हूँ आधी अधूरी पर पूरी नहीं हुई है, पानी उसके अंदर भर नहीं पा रहा है। तो 26 आधी अधूरी टंकी और साथ में जो लाइनें डाली हैं उसके बावजूद भी भोपालगढ़ शहर की स्थिति बहुत खराब है और यहाँ जलदाय विभाग 2 या 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई कर रहा है। क्या ये सही है? सही है, 2 या 3 दिन में एक दफा पानी का सप्लाई यहाँ मिलता है। दूषित पानी की शिकायत आ रही है और अक्सर नलों के अंदर लाल पीले रंग का पानी आता है। क्या ये सही है? ये भोपालगढ़ की स्थिति है और हम लोगों ने कोशिश आपके लिए की थी और मैं ये जानती हूँ कि अगर इस सरकार ने लग के काम किया होता तो अभी तक आप लोगों को मीठा पानी घर के अंदर मिल जाता, क्योंकि इतना सारा पैसा और सब काम हमने अपने जाने से पहले करके छोड़ा था। मुझे दुख है कि यह आप तक नहीं पहुंच रहा है। इसके साथ साथ बिजली का घोर संकट आपके पूरे क्षेत्र के अंदर है। यहाँ किसान भाई बैठे हुए हैं, मैं इन किसान भाइयों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को जो घोषणा की थी कांग्रेस ने कि 8 घंटे आप लोगों को पर्याप्त बिजली देने का काम करेंगे, आपको खेत में 3 फेज बिजली मिली क्या? मिली क्या किसी को? मैं देख रही हूँ कि आप लोगों को मुश्किल से 4 घंटे बिजली मिल रही है और वो भी बड़ी जोरदार ट्रिपिंग के साथ। और महिलाओं को जो मैंने लाइन निकाल के अलग से सिंगल फेज की बिजली दी थी, वो सिंगल फेज की बिजली भी 18 घंटे 20 घंटे में मैं छोड़ के गई थी। आज आपको मुश्किल से मैं देख रही हूँ 4 या 5 घंटे बिजली मिल रही है और वो भी ट्रिपिंग के साथ। और मैं माता बहने आपको यहाँ सबके सामने कहना चाहती हूँ कि 5-6 महीने और सरकार अपनी रह जाती तो 24 घंटे बिजली मैं आपको देती, पर आएगी सरकार तो उस समय 24 घंटे घरेलू बिजली देने का काम हम करके देंगे आपको, आपको मिलेगा। और आप मुझे मालूम है कि मन में मैंने लगा के इसलिए दी थी कि सब काम करने जाते हैं जब आते हैं गर्मी से तो घर में ठंडक होगा, आपका फ्रिज चलेगा, आपका कूलर चलेगा और आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए आपके बच्चे को बाहर भेजने की जरूरत नहीं होगी, वो घर के अंदर आराम से अपनी बिजली को देख के वहीं अपना किताब पढ़ सकते हैं, ये सोच करके बिजली दी थी। और आज आपको सिर्फ 4 घंटे 5 घंटे बिजली मिल रही है, उससे मुझे बहुत दुख है। इसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इन लोगों ने क्या क्या घोषणाएं की थी। सबसे पहले ये घोषणा की थी कि 75,000 कृषि कनेक्शन आप लोगों को दिया जाएगा और मिले हैं काल सिर्फ 13,000 कनेक्शन। 5 साल के अंदर 75,000 कनेक्शन देने की बात थी जो मैं कहती हूँ कम है।
और उसके बाद भी उसमें भी 13,000 कनेक्शन दिए। उसके बाद इस वित्तीय वर्ष में सिर्फ 50 गांव को विद्युतीकरण करने की उन्होंने घोषणा की थी और उसमें से भी मुश्किल से 8 गांव में बिजली लगी है। बताओ शर्म होती है कि नहीं, क्या बात है भैया? 8 गांव पूरे राजस्थान के अंदर पूरी सरकार की ओर से क्या तमाशा बना के रखा है। इस वित्तीय वर्ष में 20,000 बीपीएल परिवारों को कनेक्शन देने का उन्होंने वादा किया था और दिए सिर्फ 6,000। और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि वादा कुछ करते हैं, करते कुछ और है, और जो हम लोगों को हमारी मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सकता उसको उस कुर्सी पे बैठने का कोई हक है भाइयों? नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि इन लोगों की बात को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। एक फर्क है भाइयों, प्लीज, एक फर्क है घोषणा और उपलब्धि के बीच में। उपलब्धि तो वो है जो घोषणा किए बाद पूरा किया जाता है। जैसे मैंने आपको घोषणा की कि मैं आपको 24 घंटे बिजली दूंगी, तो ये मेरी उपलब्धि है कि मैंने 18 से 20 घंटे बिजली जाने से पहले आपको दे दी, और ये मेरी उपलब्धि होगी कि मैं 24 घंटे बिजली सरकार आने के बाद आपको दूंगी, तो वो उपलब्धि है। उसके पहले उपलब्धि नहीं होती। यहाँ तो रोज रोज आपको घोषणा है, आते हैं पेपर में, ये तो है घोषणा। इसकी उपलब्धि तो तब होगी जब वो जमीन पे आएगा। जमीन पे आता तो नहीं है, परंतु ये बताया जाता है कि ये हमारी उपलब्धि है। ये उपलब्धि नहीं है। घोषणा तो मैं भी करूं, आप भी करो, कोई भी करो, खड़े हो जाओ इसके ऊपर, जोर जोर से घोषणा करना शुरू कर दो। अगले 2 साल 4 महीने के लिए घोषणा, 1 दिन एवरी डे घोषणा करो तो सही, देखो कितना मजा आता है। घोषणा करने में कोई हमारा पसीना नहीं जाएगा और ना हमारे को जेब में से पैसा निकालने की जरूरत है, इनको निकालने की जरूरत है, क्योंकि ये सब घोषणा अखबार में जाती है। करोड़ों रुपया जो आपका पैसा है वो विज्ञापन में जाता है आपको ये सब बताने के लिए, जो जमीन के ऊपर आया ही नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं, यह सामुदायिक अस्पताल है, इस सामुदायिक अस्पताल के अंदर 9 डॉक्टर्स के पद खाली है भाइयों, और 9 डॉक्टर्स के पद है जिसमें से 4 खाली है। महिला विशेषज्ञ का ट्रांसफर कर दिया है, आपको जरूरत नहीं है, महिला विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है ना, यहाँ से ट्रांसफर कर दिया है, और जाना है तो चले जाओ जोधपुर, पास ही तो है, क्या बात। इसीलिए मैं तो ये देख रही हूँ कि मुफ्त इलाज और मुफ्त दवा बिना डॉक्टर्स के, बिना लैब टेक्नीशियंस के होता है तो कैसे होता है, हमें भी समझाओ भैया। तो हम भी सीजिए, हम भी कह सके अगले सरकार के अंदर आराम से घोषणा कर सके कि आपको मुफ्त हमने दे दिया, सब मुफ्त दे दिया, करने की जरूरत नहीं है। एक डॉक्टर नहीं है, लैब नहीं है, कुछ काम नहीं हो रहा, आपके विशेषज्ञ नहीं है, और फिर भी ये सब काम हो रहा है, तो मैं तो समझती हूँ कि उनके हाथ में तो दैविक शक्ति होगी, और क्या हो सकता है। भोपालगढ़ की स्कूली शिक्षा की हालत कितनी खराब है। क्षेत्र के 8-10 सेकेंडरी स्कूल ऐसे हैं जो मात्र 2 या 3 अध्यापक के ऊपर चल रहे हैं, और कॉलेज में लेक्चरर्स की जोरदार कमी है। यही लेक्चरर्स, आप तो इसी की बात कर रही हूँ मैं, कितनी जोरदार कमी है। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इनके बिना, लेक्चरर्स और टीचर्स के बिना हमारे ये बच्चे अपने पैर पर नहीं खड़े हो सकते, और जब तक नहीं खड़े हो सकते तो आगे चल के कॉम्पिटिशन में नहीं बैठेंगे, और अगर आगे चल के कॉम्पिटिशन में नहीं बैठेंगे तो नौकरियों का जोरदार अभाव राजस्थान के अंदर होगा, और राजस्थान के अंदर इनके बिना विकास नहीं हो सकता है। हमने अपने समय के अंदर भाइयों 5 साल के अंदर बच्चों को नौकरी देने का काम किया, और 1-2 नौकरी नहीं 10 लाख नौकरी, और वो भी आप लोगों को बताऊं मैं, सरकारी और गैर सरकारी दोनों। और इन नौकरियों के अंदर हमने हमारे बच्चों को जहां तक हो सके उनको फिट करने की कोशिश की। आज 5 साल निकल गए, यहाँ कितने लोग हैं इनको नौकरियां मिली बताओ? नौकरी मिली है बच्चों को। ये कहना चाहती हूँ कि टेट को घुसेड़ा है, और इसीलिए घुसेड़ा है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को नौकरी नहीं मिले और वो जाके कोर्ट में जाके फंस जाए। ये पुरानी आदत है कांग्रेस की कि हम तो चाहते थे देना, पर हम क्या करें, आप लोग तो जाके कोर्ट में चले गए, कोर्ट में जाके मामला फंस गया। अब फंस गया तो मैं नौकरी देने चाह के भी नहीं दे सकता, सोचो भैया। परंतु मैं ये कहना चाहती हूँ कि टेट का मैं प्रबंधन करूंगी, और टेट का प्रबंधन करके आरपीएससी के द्वारा आप लोगों को जिस तरीके से पहले नौकरी देने का इंतजाम किया था, उसी तरीके से नौकरी देने का आप लोगों को इंतजाम करूंगी। परंतु भाइयों, हमने इसके पहले आपके लिए एक और इंतजाम किया था। हमने ये कहा था कि हमारे बच्चे पढ़ लिख लेते हैं और फिर घूमते हैं नौकरी की तलाश में,
तो अपने माँ बाप के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ भी बन जाते हैं। तो बोझ ना बने, इसके लिए हम उनको बेरोजगारी का भत्ता देंगे, 2 साल वो भत्ता देंगे, जब तक वो नौकरी ढूंढ लेंगे अपना बेरोजगारी का भत्ता छोड़ के वो अपने रोजगार के अंदर लग जाएंगे। ये बेरोजगारी भत्ता हमने दिया और करीबन 1,38,000 बच्चों को इसका फायदा हुआ। अब कांग्रेस आई, आते ही उसने बेरोजगारी भत्ता किया बंद, और अब इलेक्शन का टाइम आया, उस इलेक्शन के 8-10 महीने पहले बेरोजगारी भत्ता फिर चालू कर दिया। फिर देखा इधर उधर कि कहीं ऐसा ना हो कि सब लोग सोचे कि वसुंधरा राजे की वजह से मिल रहा है, तो जहां 1 लाख की आय पे हम लोग दिया करते थे उनने उसको बढ़ा के 2 लाख की आय करके कह दिया कि चलो भैया हम भी तुमको देंगे। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको अब अच्छा लगा तो तब क्यों अच्छा नहीं लगा, और 4 साल आपने क्यों छोड़ दिए? हमारे कितने बच्चे ऐसे थे जिनको इनका फायदा मिल सकता था, वो नौकरी में दर दर भटक रहे थे, उनके माँ बाप के ऊपर बोझ बनते थे, तो उनको मदद मिल जाती, ये क्यों नहीं 4.5 साल तक किया? इसलिए नहीं किया कि उनको लगा कि चुनाव के पहले अपने को करने की जरूरत होगी, जब तक छोड़ो जी हमें इनका क्या विकास करना है, ये हमारा विकास करना। तो 4.5 साल बाद आपने पूरे 4.5 साल इनके विकास करने में लगाया, अब ये 4 महीने बाकी बच रहे हैं, सोच रहे हैं कि थोड़ा सा अब जनता का विकास कर ही दें ताकि जनता का वोट हमारे पास आ जाए, ताकि हम हमारा विकास चालू रखें। ये चल रहा है, और मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि ये शिक्षित बेरोजगारों को मुश्किल से 18,000 तक ही इन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया है, 18,000 से ज्यादा नहीं है। मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, और मैं सब लोगों को याद दिलाऊंगी कि हमारे कर्मचारियों की क्या हालत है, वो आप लोग सबको दिख रहा है। 11 जुलाई से वो लोग सब बैठे हुए धरने के ऊपर, यह कर्मचारी आंदोलन चल रहा है, पर वो भी इस समाज और सरकार का एक अंग है, वो हम सबको याद रखने की जरूरत है, सरकार को याद रखने की जरूरत है कि हमारा अंग है, क्योंकि राजस्थान की सरकार जब आगे पिछले 5 वर्ष के अंदर आगे बढ़ी थी तो उसमें हम सबका एक बहुत बड़ा दिन था, इसमें हमारे कर्मचारी थे, हमारे अफसर थे, हमारी जनरल पब्लिक थी, हमारे वो लोग थे जिन्होंने प्रदेश के लिए काम किया, जिन्होंने आपके मनरेगा के अंदर काम किया, इन सबका उसके अंदर एक बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए रास्ता मैं समझती हूँ कर्मचारियों को प्रताड़ित करने से नहीं, परंतु उनको विश्वास में लेके ही निकलेगा, और ये बहुत जरूरी है कि उनके साथ बैठ के वो काम करने का, उसको ठीक करने की बात सोचे। इसके साथ साथ मनरेगा की मैं बात आप लोगों के सामने करना चाहती हूँ। मनरेगा का कितना काम चल रहा है भैया? आपके क्षेत्र के अंदर चल रहा है क्या? 13,000 करोड़ का घोटाला, छोटा है घोटाला, घोटाला के नाम से तो छोटा घोटाला है, 13,000 करोड़ बस। और ये 13,000 करोड़ का घोटाला ने राजस्थान को मनरेगा के अंदर कलंकित करके रख दिया है। आपको याद होगा कि अपने समय के अंदर मनरेगा के अंदर राजस्थान सबसे नंबर एक का प्रदेश था, और 26 लाख लोगों को नौकरी देने का काम हम लोगों ने किया था, और सही टाइम पे पेमेंट मिलता था, ऐसा कोई नहीं था जिसको दर दर भटक के कहना पड़ता था कि हमारे पैसे 3-3, 4-4 महीने से हमें नहीं मिले। आज यही स्थिति है, पैसा सही टाइम पे मिलता नहीं है, 26 लाख छोड़ दो, 1 लाख मुश्किल से अगर किसी को नौकरी मिल गई तो गनीमत है। और मैं ये कहना चाहती हूँ वो 26 लाख लोगों को जिन्होंने उस समय नौकरी की थी, मैं दाद देना चाहती हूँ उनको भी, क्योंकि उन्होंने भी मेहनत की, इतनी सारी परिसंपत्तियां बनाई उस समय कि राजस्थान बीमारू प्रदेश था उस समय, हम लोगों ने उस बीमारू प्रदेश को अपने पैर पे खड़ा किया, तो उनका भी बहुत बड़ा हाथ था। वो सब लोग जिन्होंने मेहनत की, काम किया और राजस्थान की परिसंपत्तियां बनाई और राजस्थान को आगे ले जाने का काम किया, उसमें वो 26 लाख लोगों का पसीना भी था, उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज मनरेगा बिल्कुल एक कोने में डाल दिया गया है और उस मनरेगा के द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों से ये पता करना चाहूंगी, ये भौरी प्रकरण, मुझे नहीं मालूम कितना टाइम निकल गया, बहुत समय निकल गया, मैं ये पता करना चाहती हूँ। और मैंने देखा है कि आपके मुख्यमंत्री जब भी किसी को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं तो वो बड़े जोरदार हथकंडे अपनाते हैं, और मैं कहती हूँ कि ठीक है, राजनीति के अंदर हो, इन सब चीजों के अंदर हो सकता है कि एक दूसरे के प्रतिद्वंदी अपन बन जाते हैं, परंतु प्रतिद्वंदी के साथ भी एक तरीका होता है व्यवहार का, और मैं समझती हूँ कि इस लेवल तक उसको ले जाना ये कहाँ तक जायज है,
और साथ में कहना चाहती हूँ, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतने तो टेप निकले थे, इतने सीडी निकले थे, कैसे एक ही सीडी को हम बार बार देखते हैं और वो 151 सीडी गए तो गए कहाँ? कोई हमें ये जवाब आज तक नहीं दे पा रहा है। मैं सबसे ये पूछ रही हूँ कि जिस दिन वो जवाब दे देगा उस दिन मुझे मालूम पड़ेगा कि हाँ हम न्याय के रास्ते पे चल पड़े हैं। ये तो उसके अंदर सुनते हैं बड़े बड़े नाम है, परंतु वो सीडी कहाँ है वो मुख्यमंत्री से पूछा जाए। अब फिर मैं पूछना चाहती हूँ कि ये बताया जाता ही नहीं है, ये है कि भावरी मिली थी सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से, कंप्लेंट किया था मुख्यमंत्री जी से और कहा था उस समय कि हमारे साथ मुसीबत है। ऐसे समय के ऊपर अगर मुख्यमंत्री ने उसकी बात को समझ के उसके ऊपर इंक्वायरी कर दी होती तो शायद ये पूरी घटना नहीं घटती। तो फिर कौन है इसके पीछे, कौन है जो लोगों ने इस तरीके का काम किया? जयपुर देश में पहले नंबर पे है, आदिवासी उत्पीड़न में देश में हम दूसरे नंबर पे हैं, SC ST के अत्याचार में हम देश के पहले नंबर पे हैं, वाह वाह वाह, तंका 5%, बिहार के पीछे, बिहार 16% और हम सिर्फ 5%। सोचो भाइयों कहां पहुंच गए हम, हमारा है आखिरी जिला। मैं तो कहती हूँ कि मुख्यमंत्री को तो माफी मांगना चाहिए, इतने झूठ बोलने पर, कोई काम नहीं करने पर उनको माफी मांगनी चाहिए हमारी पूरी जनता से कि हमने आप लोगों को गलत बता के 4.5 साल ऐसे निकाल दिए और आपसे वोट भी लिए। ये हमने आपको झूठ बोल के लिया है क्योंकि हम राजस्थान का कोई भला नहीं कर सके, हमने बर्बाद किया है। अब पूछो किसने बर्बाद किया है, वो तो खुद के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राजस्थान सबसे लास्ट है, सबसे खराब विकास दर है, सबसे कम काम किया है। तो ये तो मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कह रहा है, आप नहीं मैं नहीं, ये सब लोगों ने कह के रखा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि राजस्थान के हमारे पानी का हक है, उसके बारे में इनने क्या किया, सिर्फ झगड़ा और तनाव,
इसको करके हमारे यहाँ चुनाव नहीं जीत सकते, ना हमारा विकास कर सकते। ये इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुसीबत अगर हमें कोई हुआ है तो इतने साल निकलने के बाद अब आज हुआ। सब लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस नहीं चाहती कि आप संपन्न हो, क्योंकि जिस दिन आप संपन्न होंगे उस दिन आपको उनकी जरूरत नहीं है। इसीलिए बीपीएल परिवार, बताया गया कुछ ही दिन पहले कि अब 70% हो गया है देश का, 70% देश बीपीएल। सोचो, बाहर निकलने के बजाय हम लोग और नीचे जा रहे हैं। और मैं आप लोग को यह कहना चाहती हूँ कि अगर यह स्थिति है तो हम वो नहीं चाहते कि आप संपन्न हो, वो चाहते हैं कि आप गरीब रहें, वो चाहते हैं कि आप एक दूसरे से लड़ाई लड़े, वो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान के अंदर झगड़ा हो जाए, वो चाहते हैं कि गुर्जर मीना लड़े, वो चाहते हैं कि राजपूत और जाट लड़े, क्योंकि आपकी लड़ाई में उनका राज है और 20-30 साल उन्होंने राज किया, 60 साल राज किया है इसी के ऊपर, और आगे भी इसी पर राज करेंगे। मैं आप लोग सबको यह कहना चाहती हूँ कि अब राजस्थान की जनता एक होगी, सब लोग एक मिलके और प्यार के साथ और प्यार की डोर में बंध के चलेंगे, तब मैं विश्वास करती हूँ कि हम लोग आगे चल सकते हैं। अरे डराते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो मोदी खा जाएगा। कहाँ मोदी खा जाएगा? 5 साल जब हमने राज किया था तो कहाँ था मुसीबत, कहाँ थे झगड़े? हमने कोशिश ये की थी कि सबको साथ लेके हम चले, विकास हो। अब झगड़े आप लोग कराओ, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आग लगाती है और बुझाती है। मुख्यमंत्री शायद ये भूल गए हैं कि 24 सांप्रदायिक दंगे और 80 से ज्यादा सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हुई है इस राजस्थान में इन 4.5 साल के अंदर। मुख्यमंत्री गृह मंत्री है और इनके कार्यकाल इतिहास में सांप्रदायिक दंगों के लिए सबसे ज्यादा अगर दागदार है तो आज की सरकार है। ये सदियों तक लोग नहीं भूल पाएंगे, इस चीज को याद रखेंगे लोग। कोई भूल सकता है गोपालगढ़? कोई भूल सकता है सूरवाल और उसके हाल में हुई अभी टोंक में जो हुआ है, उसको कोई भूल सकता है? मैं नहीं समझती। और मैं चाहिए कभी भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच में भाईचारे के अंदर कोई गड़बड़ नहीं हुआ भाई, हमने नहीं करने दिया। और सच्चाई तो यह है कि इन 65 साल के अंदर हिंदू मुसलमान को लड़ा लड़ा के इन लोगों ने अपने कुर्सी को ताकतवर बनाने की कोशिश की है। और ये मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि नहीं होगा इस बार। आप मेरी तरफ देख के मुझे ये कहते हो ना क्या साहब, भाई एक आदमी है आप आगे चलो हम सब कर लेंगे, ना भाई, ये काम तो तभी हो सकता है जब मैं आपके लिए आगे चलने को तैयार हूँ, परंतु आप सब मेरे साथ चलेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी अकेले की नहीं है। ये हम लोगों को अगर राजस्थान बनाना है, एक ना ऐसा राजस्थान, एक सुंदर राजस्थान, एक राजस्थान जिसमें हमारे किसान खड़े हो जाए। अरे किसान भाइयों मुझे ये बताओ आज क्या स्थिति है, न पानी, न बिजली, न खाद, न बीज, और वैसे भी नकली बीज, और आपको अब जे जाते हो फसल बाजार के अंदर तो क्या हालत होती है, कैसे दाम मिलते हैं सब लोगों को मालूम है। अरे आत्महत्या होती थी तो महाराष्ट्र में, आत्महत्या होती थी तो आपके आंध्र प्रदेश में, पहली बार राजस्थान का किसान आत्महत्या कर रहा है। ये कभी नहीं हुआ, ये कभी नहीं हुआ था, आज हमारे किसान भाइयों की हालत। अरे किसान भाई मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप लोगों को क्या पाला और ओलावृष्टि का मुआवजा मिला? मिला? किसी को नहीं मिला। मेरे को तो ये बताया जयपुर के अंदर कि आप हमने बिजली के दाम को कम कर दिए और साथ साथ में एक अच्छा पैसे का पैकेज भी उनको दे दिया, तो उनको किसी चीज की कमी नहीं है। क्या ये हुआ? नहीं हुआ, मुझे मालूम है नहीं हुआ। और आप मुझे ये बताइए कि आप में से किसी को 1,50,000 का बिना ब्याज का ऋण किसी को मिला? नहीं मिला ना। अरे बताया जाता है कि हमने दे दिया। है कोई यहाँ जिनको पट्टे मिले, जो बहुत दिन से वहां पट्टे जो काबिज है जमीन के ऊपर, उनको पट्टे मिलेगा? क्योंकि मैंने अभी देखा तो मैं आबू रोड से जब आ रही थी तो आबू रोड के अंदर बुलडोजर चल रहे थे, तो मैंने पता किया क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला 50-50 साल से हमारा परिवार यहाँ रह रहा है, ये बुलडोजर चला के हमको हटा रहे, बेदखल कर रहे हैं। और बेदखल करके वो कह रहे हैं, आज ही निकला है पोस्ट कार्ड कि पहली बार राजस्थान में 2,58,000 पट्टे आज दे दिए। अरे मैं पता करना चाहती हूँ, कुछ नहीं दिए, ये दिए तो भूमाफिया को दिए। वो भूमाफिया जिसने जब बेचारे गरीबों की जगह ले लेके वहां अपना धंधा अपना काम करने का शुरू कर दिया है। अगर कोई पनपा है राजस्थान में तो कांग्रेस, कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस का मुख्यमंत्री, कांग्रेस का दामाद रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ चलने वाले भू माफिया, ये बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बाघ, फलोदी, सब जगह के अंदर घुसे हुए हैं और मौज मस्ती चल रही है। और मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि मैंने देखा है रात रात को भीलवाड़ा के लोगों ने बताया कि हाँ 38 पंचायत में से 27 पंचायत को अलग छोड़ के 11 पंचायत की रात को 12 बजे और 2 बजे के बीच में पट्टे दिए जा रहे हैं। किसको दिए जा रहे थे? किसानों को तो नहीं दिए जा रहे थे। ये रात रात को क्या धंधा हो रहा था ये कोई बताया आपको? कोई नहीं बता सकता क्योंकि सब में बदमाशियां बाकी हैं। और आखिर मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाइयों अब आ गया है, 4 महीने बच रहे हैं चुनाव के लिए, आप और कांग्रेस सब कुछ सौगाते दे दे के हमारे स्वाभिमान तक को खरीदने के चक्कर में है। अभी अभी गए थे मंत्री झालावाड़ और झालावाड़ से मेरे को रिपोर्ट आई कि मुरारी लाल मीना यहाँ आए, लैपटॉप बांटने का काम उन्होंने शुरू किया, बच्चों की भीड़ बैठी थी, बच्चों को भाषण दे रहे थे, भाषण देने के बाद लैपटॉप पकड़ाया और लैपटॉप पकड़ाने से पेट में की जो बात थी वो निकल ही आई, वो रहा नहीं गया। उन्होंने कहा बच्चे ये लैपटॉप ले लो, पर तो याद रखना कि जब चुनाव का टाइम आएगा तो अपनी मम्मी और पापा को याद दिला देना कि हमको जरूर वोट दे। वो एक तरफ कह रहे हैं नहीं नहीं हम तो जनता के भले के लिए दे रहे हैं, हम लोग तो हमारे जनता के जो बच्चे हैं उनके भले के लिए दे रहे हैं, फिर जो पेट में नहीं रहती बात वो निकल ही आती है, वो सब जनता के सामने आ गई। और अभी अभी देख लीजिए अभी हमारे विधानसभा अध्यक्ष का उनके पेट में भी नहीं रहा। आपने पेपर पे पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा मालूम नहीं, उनने ये कहा कि अगर कोई ऐसा पंचायत है जहां मेरे को 80% वोट मिल जाता है तो मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा। जो यार ये क्या हो रहा है यहाँ, ये क्या हो रहा है? और फिर उनको लगा कि जिस बूथ पर 100% वोट मिल जाएंगे मैं अपनी तरफ से 50 लाख दूंगा। मरे जा रहे हैं कि कुछ भी कर लो भैया वोट ले लो, क्योंकि इस बार जनता ने हमको नकार दिया तो हमें कभी मौका नहीं मिलने वाला है। वो सब समझ गए कि हमारा खेल क्या है, खेल खत्म। बिल्कुल सही कह रहे हो, अब जान आ गया है। हम लोगों को मिलके बता देना है कि हम सब एक नया राजस्थान की कल्पना करने लगे। हमने तय कर लिया कि हमारी महिलाओं की सुरक्षा होगी, हमने तय कर लिया कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमने तय कर लिया कि हमारा किसान मजबूती के साथ खड़ा होगा, और हमने तय कर लिया कि व्यवसाय हमारी फैक्ट्री लगाएंगे और राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमें चाहिए एक समृद्ध राजस्थान, एक खुशहाल राजस्थान, एक ऐसा राजस्थान जिसको छूने के लिए, जिसको देखने के लिए और जिसको समझने के लिए दूर से लोग आएंगे, जिससे पहले हमारे इतिहास को पढ़ने और देखने के लिए लोग आते थे। हमारा स्वाभिमान हमको लौटाया जाएगा, हमारी इज्जत हमको वापस मिलेगी और हम फिर से हमारा अपना प्रदेश जिस तरीके से ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचा के हमने पहले रखी थी, जैसे पहले था राजस्थान, वैसे ही फिर से मौका मिलेगा और हम गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक नाम दे लो, उनके साथ राजस्थान भी वही होगा। हमें किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं होगी, लोग आएंगे हमारे पास और हम अपने प्रदेश को चलाएंगे, अपना सोच के चलाएंगे और अपनी खुशी के लिए चलाएंगे, हमारी भी खुशी होगी और प्रदेश को भी खुशहाल बना के रखेंगे, ये सपना लेके चले हैं। मैं ये 5 महीने के सपने नहीं दिखा रही भाइयों, ये तो 5 महीने के सपने दिखा रहे हैं आपको, मैं कह रही हूँ ये 5 साल का सपना है, मैं ये सपना पूरा करने के लिए तैयार हूँ, आप उसको लेने के लिए तैयार हो, आप चाहते हो कि ये सपना पूरा हो, और अगर चाहते हो तो ये मेरे साथ जोरदार नारा दोगे, इनकी बातों में नहीं आओगे, तय कर लोगे आज संकल्प करके यहाँ से कि हम गोपालगढ़ से अपनी आवाज निकालेंगे, राजस्थान और पूरे मारवाड़ के अंदर यह आवाज हमारी जाएगी, हमारे बच्चे घूमेंगे, हम सब लोग कोने कोने में जाके और लोगों को कहेंगे कि हम आगे वाला राजस्थान जो है, हमारे सपने का राजस्थान जो है, वो खुशहाल और समृद्ध राजस्थान जो है, वो राजस्थान हम बनाएंगे। इस कांग्रेस की हमें कोई जरूरत नहीं, तैयार हो? डरोगे तो नहीं? आजकल CBI का नाम सुना है? नहीं तो फिर आप मेरे साथ जोरदार नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान।